आज हम पढ़ने वाले हैं 11वें अध्याय 8 घर्षण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा घर्षण किसे कहते हैं और घर्षण के प्रकार क्या क्या होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। और हमने क्या पढ़ा कि गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के नियम क्या होते हैं, और हमने क्या पढ़ा कि घर्षण कोण हम किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे विराम कोण क्या होता है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक तल है OA, इस पर एक नत समतल है OB, इस पर एक पिंड रखा है P। पिंड का भार कैसे कार्य करेगा, mg नीचे की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया आर किस ओर कार्य करेगी, ऊपर की ओर। पिंड इस ओर खसकेगा तो घर्षण किस ओर लगेगा, विपरीत दिशा में यानी कि ऊपर की ओर। तो विराम कोण क्या होता है, यदि कोई पिंड किसी नत समतल में, कोई पिंड है ये पी, ये एक नत समतल है जो 33 से कितना कोण बना रहा है यहाँ पर थीटा। यदि कोई पिंड किसी नत समतल में सीमांत संतुलन में है तो उस नत समतल का 33 से जो झुकाव होता है उसको हम कहते हैं विराम कोण। हमारे पास एक पिंड है जो कि नत समतल ओबी पे रखा है। यदि हम इसका 36 से झुकाव को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि पिंड जो है बिल्कुल खिसकने की स्थिति में आ जाएगा, है ना। इसको बढ़ा रहे हैं तो पिंड एक स्थिति में आ जाएगा कि वो नीचे खसके, तो उसकी उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति। यानी कि पिंड जो है ठीक गति करने की स्थिति में जब आता है तो उसको हम कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। इस स्थिति में पिंड आ चुका है तो हम क्या कहेंगे, पिंड कैसा है, सीमांत संतुलन में है। और इस स्थिति में कोण कितना बन रहा है, 36 से थीटा। तो यही थीटा जो है वो है हमारा विराम कोण। इस स्थिति में देखिए कितने बल कार्य करेंगे। पहला, वस्तु का भार किस ओर कार्य करेगा, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम क्या जानते हैं, हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो भार नीचे की ओर कार्य करेगा तो इस पिंड पर अभिलंबवत ऊपर की ओर जो बल लगता है इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो दूसरा बल कौन सा कार्य करेगा, आर कैसे कार्य करेगा, नत समतल के लंबवत ऊपर की ओर। ये दो बल हो गए। तीसरा बल क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि घर्षण क्या होता है, हमेशा गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो उसकी दिशा क्या होगी, गति के विपरीत होगी। तो यदि ये पिंड इस ओर खिसकेगा तो घर्षण किस स्थिति में है, पिंड हमारा सीमांत संतुलन की स्थिति में। तो इस स्थिति में घर्षण को भी हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण। और उसकी स्थिति क्या होगी, दिशा ठीक गति के विपरीत यानी लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, तो ये तीन बल कार्य कर रहे हैं। कौन सा हो गया, C
सीमांत घर्षण FS, नत समतल के अनुदेश ऊपर की ओर तो सीमांत संतुलन की स्थिति में निम्न तीन बल कार्य करेंगे। अब देखिए जो वस्तु का भार है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है इसको हम दो घटकों में बांट सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोण बढ़ रहा है थीटा। कौन कौन से घटक? क्षैतिज घटक mg cos थीटा और कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक लंबवत घटक mg sin थीटा। कॉस थीटा कैसे कार्य करेगा? नस समतल के लंबवत नीचे की ओर और साइन थीटा कैसे कार्य करेगा? नस समतल के अनुदिश नीचे की ओर। वस्तु के भार के घटक कौन कौन से हो जाएंगे? पहला mg cos थीटा किस दिशा में कार्य करेगा? तल के लंबवत नीचे की ओर। दूसरा घटक इसका mg sin थीटा कैसे कार्य करेगा? तल के अनुदिश नीचे की ओर। ठीक, फिर से चित्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये OB एक क्षैतिज तल है OA और OB एक नस समतल है जो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है? थीटा। यहाँ पर एक पिंड रखा है P, इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा जिसके दो घटक mg cos थीटा और mg sin थीटा। अभिलंब प्रतिक्रिया तल के अनुदिश ऊपर की ओर, घर्षण चूंकि विरोध करता है तो इसके विपरीत ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब संतुलन में ये बल और ये बल आपस में बराबर होंगे, ये बल और ये बल क्या होंगे? आपस में बराबर। तो क्या होगा संतुलन की स्थिति में? संतुलन की स्थिति में क्या बराबर होगा? दोनों की दिशा विपरीत है, FS ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, तो FS किसके बराबर हो जाएगा? mg sin थीटा समीकरण एक। और R किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा समीकरण दो। यदि समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे दे तो क्या होगा? FS बटे R बराबर mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg mg कट गया तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास क्या बचा? FS अपॉन R बराबर क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। और FS अपॉन R का मान क्या होता है हम जानते हैं, μs, जहां पे μs क्या है? सीमांत घर्षण गुणांक। क्या है μs का मान? सीमांत घर्षण गुणांक समीकरण तीन। पर हमने देखा कि घर्षण कोण μs बराबर होता है tan
लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा है घर्षण कोण, यानी कि सीमांत घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या निकल रहा है, μs बराबर tan थीटा, यहाँ पर निकला μs बराबर tan लैम्डा। तो इन दोनों समीकरणों से क्या देखते हैं हम, दोनों किसके बराबर है, μs के, तो आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan लैम्डा। अब tan थीटा tan लैम्डा आपस में बराबर है, इसका क्या अर्थ है, थीटा बराबर क्या हो गया, लैम्डा। थीटा क्या है, विराम कोण, और लैम्डा हम जानते हैं क्या होता है, घर्षण कोण। इसका क्या अर्थ निकला हम हमारा, कि विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है, ये हमारा निष्कर्ष निकला, विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। और सूत्र क्या निकला हमारे पास, म्यू एस बराबर टेन थीटा, जहाँ पे म्यू एस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक, थीटा क्या है, विराम कोण, यानी कि जो विराम कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर होती है, घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, विराम कोण के बारे में, कि विराम कोण कहते किसको है, उसके लिए समीकरण क्या है, और इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, विराम कोण और घर्षण कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पढ़ेंगे घर्षण के प्रकार, सर्पी घर्षक, बेलन घर्षक। हम इसको अंतर के माध्यम से पढ़ते हैं, पहला अंतर क्या होता है, हमेशा उसकी परिभाषा होती है ना, तो समझ जाइए पहले अंतर में हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा। तो सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण जब एक पिंड, ये एक पिंड है जो दूसरे तल पे है, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है, तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को बोलते हैं हम सर्पी घर्षण। बेलन घर्षण, बेलन घर्षण क्या होता है, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर हम घुमाते हैं, तब उस घर्षण को कहते हैं हम बेलन घर्षण। उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा, मान लीजिए ये डस्टर है, ये एक तल है, इसको हम इस पर खिसका रहे हैं, तो एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर खिसका रहा है, तो दोनों के तलों के मध्य जो घर्षण कार्य करेगा वो है हमारा सर्पी घर्षण। अब यदि आप बॉल को लुढ़का दे जमीन पर, तो बॉल कैसे करेगी, गोल गोल घूमेगी, ऐसे जाएगी क्या, सीधे नहीं, घूमते हुए जाएगी। तो एक पिंड दूसरे ऊपर क्या घूम रहा है, तो इस प्रकार के घर्षण को, और जैसे चक्का, साइकिल का चक्का, जब आप साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो नीचे पृथ्वी है और चक्का है, दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पर चक्का क्या हो रहा है, घूम रहा है। घूमने में इसमें अंतर क्या आता है, कि उसको हम अगले अंतर में पढ़ेंगे। सर्पी घर्षण में क्या होता है, जैसे ये दो है, हमेशा ये तल जो है इस पिंड का, यही दूसरे तल के संपर्क में रहेगा, इसका दूसरा तल इसके संपर्क में नहीं आएगा, किसमें, सर्पी घर्षण में। बेलन घर्षण में क्या होता है, चाहे बॉल का एग्जांपल ले आप, चाहे चक्के का, हमेशा चक्के का अलग अलग भाग या गेंद या बॉल का अलग अलग भाग पृथ्वी के संपर्क में आएगा। तो सर्पी घर्षण में जो हिस्सा
संपर्क में है वो हमेशा वही संपर्क में आता है, और बेलन घर्षण में अलग अलग भाग जो है पिंड के वो दूसरे तल के संपर्क में आते हैं। ये इनके बीच दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है किससे? बेलन घर्षण से, और बेलन घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से। तो इस प्रकार हमने सर्पी और बेलन घर्षण समझ भी लिया। और दो नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बताइए कि सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर क्या होता है। तो हम समझ गए कि जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है तो सर्पी घर्षण, और जब घूमता है तो बेलन घर्षण। अब हम थोड़ा सा पढ़ें, घर्षण से हमको लाभ क्या क्या है और हानियां क्या क्या होती है। घर्षण से लाभ, क्या क्या लाभ है घर्षण से हमको? घर्षण से हमको बहुत सारे लाभ है। घर्षण के कारण ही हम खाना खा पाते हैं। घर्षण के कारण ही, इस चौक से अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये भी किसके कारण हो रहा है? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं, घर्षण के कारण ही हम गाड़ी चला पाते हैं, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होता है। आग कैसे उत्पन्न होता है? दो पिंड का जब घर्षण होता है, चाहे आप पत्थर को आदिम जमाने में चाहे पत्थर को करके करें, या अभी आप लाइटर, लाइटर में क्या होता है, एक पिंड दूसरे पिंड से टकराता है, चिंगारी होती है, है ना। तो घर्षण के कारण ही क्या उत्पन्न हो पाता है? आग उत्पन्न हो जाता है। कील को दीवार पर ठोकना है तो हम घर्षण के कारण ही उसको ठोक पाते हैं। और क्या होता है, चीजों की सफाई करना है, सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम घिसते ही है, तो वो भी क्या है? घर्षण है। तो इस प्रकार से देखा जाए घर्षण बहुत ही लाभकारी है। बिना घर्षण के ना तो हम चल पाते, ना तो खाना खा पाते। तो बिना घर्षण के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी है। क्या होता है, घर्षण के कारण मशीन कोई घूम रही है तो उसके कल पुर्जे, उसके जो भाग है, घर्षण के क्या कारण क्या होते, घिस जाते हैं तो उसकी दक्षता प्रभावित होती, कार्यक्षमता प्रभावित होती है। और क्या होता है, जब दोनों भाग किसी भी मशीन के आपस में रगड़ते हैं, उनके बीच घर्षण होता है, तो जो ऊर्जा का, कुछ ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, क्षय होता है। तो इस प्रकार से कुछ हानियां भी होती है, पर अधिकतर हमको होता है लाभ। तो ये तो हमने देखा घर्षण के हमको लाभ क्या है और हानियां क्या है। अब घर्षण को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। घर्षण को कम करना, पहला स्नेहक का प्रयोग करके। आप लोग भी ये सब जानते हैं, ताले में, आपके साइकिल की चैन में आप बीच बीच में क्या डालते रहते हैं, तेल डालते रहते हैं। तेल डालने से क्या होता है, घर्षण का मान कम हो जाता है, और घर्षण का कम हो, मान कम होने से वो चीज़ें अच्छे से घूमती है। बहुत सारी चीज़ें में तेल या ग्रीस अपन डालते हैं जहाँ पे घर्षण के कारण फिर उसकी घर्षण उससे कम हो जाता है। घर्षण कैसे कम होता है, जब उसमें तेल वेल हमने नहीं डाला, वहाँ पे वायु है तो वो हो जाता है शुष्क घर्षण। और तेल या ग्रीस डालने से शुष्क घर्षण किस में बदल गया, तरल घर्षण में बदल गया, जिसका मान शुष्क घर्षण से कम होता है। इस प्रकार तेल, ग्रीस, इन सब का उपयोग करके हम घर्षण के मान को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, बाल बीरिंग के उपयोग से। क्या होता है ये देखिए, बाल बीरिंग, दो समाक्षी बेलन है समझ जाइए, इनके बीच लगे होते हैं छर्रे, ये धुरी से जुड़ा होता है और ये जुड़ा होता है चक्के से। तो जब ये दोनों हिस्से चलते हैं तो ये जो छर्रे लगे हुए हैं ये विपरीत दिशा में चलते हैं।
विपरीत दिशा में चलते हैं, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। और क्या हो रहा है, यदि ये छर्रे का प्रयोग ना करें तो दोनों तलों के मध्य कौन सा घर्षण काम करेगा, सर्पी घर्षण। और छर्रों का उपयोग करने से एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर घूम रहा है, तो सर्पी घर्षण किस में बदल गया, बेलन घर्षण में। चूंकि सर्पी घर्षण किस में बदल गया, बेलन घर्षण में बदल गया, इसलिए क्या होता है, घर्षण का मान कम हो जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बेलन घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। तो इस प्रकार स्नेहक का उपयोग करके, बाल बीयरिंग का उपयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तीसरा, धारा रेखी आकृति देकर, क्या होता है, हम या फिर वाहन, कोई भी वाहन किसी भी माध्यम में गति करे, जैसे हम अभी गति कर रहे हैं तो आसपास माध्यम क्या है, वायु। पानी में जल के अंदर मछलियां है या जल के अंदर जहाज, जो भी चीज़ें गति करी, वहाँ पे माध्यम क्या है, पानी। तो ये देखा गया है, जब कोई भी वस्तु किसी माध्यम में गति करती है तो माध्यम भी कणों से मिलकर बना है, उसके कण किस दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में। यदि हम इस दिशा में गति कर रहे हैं तो कण विपरीत दिशा में गति करते हैं, और कैसे गति करते हैं, धारा रेखी प्रवाह में। तो यदि जो भी वाहन है उसकी आकृति को धारा रेखी कर दे, तो उसको जो माध्यम के कणों के द्वारा जो विरोध और उनके बीच जो घर्षण होगा, उसका मान कम हो जाता है। इसी कारण जो भी वाहन बनाए जाते हैं, चाहे कार है, बाइक है, जहाज पानी के अंदर जो चलता है, तो उनकी आकृति हम कैसे रखते हैं, धारा रेखी रखते हैं, ताकि उस माध्यम का कम से कम विरोध हो, घर्षण का मान कम से कम हो। और चौथा प्रकार, पॉलिश करके भी हम घर्षण के मान को कम कर सकते हैं। ये तो हमने देखा, क्या देखा, कि घर्षण को हम कम कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं घर्षण को बढ़ाते कैसे हैं। ये चीज आपने भी देखी होगी, बारिश में क्या होता है, पानी के कारण कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है तो चिकना हो जाता है जमीन, जिससे हमको भी चलने में कठिनाई होती है, और वाहन यदि हो तो वाहन के चक्के के भी फिसलने की संभावना रहती है। तो चिकनी मिट्टी में हम क्या कर देते हैं, रेत डाल देते हैं, रेत डालने से क्या होता है, घर्षण का मान कम हो जाता है। और कैसे बढ़ा सकते हैं हम, जूते, जूते में ध्यान दिया आपने, जूते में देखिए जेंट्स लोग या महिलाओं के भी जो जूते होते हैं, पीछे में खांचे बने होते हैं जूते में, क्यों बने रहते हैं, यदि तल चिकना है तो घर्षण का मान कम होगा, खांचे बनाने से घर्षण का मान बढ़ जाता है, जिससे आपका जूता और जमीन के बीच घर्षण बढ़ने से हमको चलने में सहायता होती है। और क्या, जो टायर्स होते हैं, टायर्स में भी आपने देखा है, गाड़ी के हो चाहे चौपहिए चार पहिए वाहन के हो चाहे दो पहिए वाहन को, उनमें खांचे बने होते हैं, तो खांचे बनने से क्या होता है, घर्षण का मान बढ़ जाता है, और घर्षण का मान बढ़ने से गाड़ी को चलाने में फिसलने, घर्षण कम रहने से फिसलने का खतरा रहेगा, तो घर्षण बढ़ाने के लिए उसमें क्या बना दिए जाते हैं, खांचे बना दिए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि घर्षण से हमको लाभ क्या है, हानि क्या है, और घर्षण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, घर्षण कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्या देखा हमको हानि क्या है और फायदा क्या है। अब हम पढ़ेंगे निर्देश फ्रेम, जो दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम दूसरा अजड़त्वीय फ्रेम। इनके बारे में हमको पढ़ना है। पढ़ने के पहले फ्रेम क्या होता है समझ लेते हैं। क्या होता है फ्रेम,
एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी घटना का अध्ययन करें, उसको कहते हैं हम फ्रेम। जैसे मान लीजिए हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, रेलगाड़ी में बैठ रहे हैं तो हम वहाँ पे विरामावस्था में हैं कि हम वहाँ पे गति कर रहे हैं, उन सब का अध्ययन किसके सापेक्ष करेंगे? डिब्बे के सापेक्ष। तो वहाँ पे डिब्बा क्या कहलाएगा? निर्देश फ्रेम। मैं इस कमरे में हूँ, ठीक, तो इस कमरे में मैं विरामावस्था में हूँ कि मैं चल रही हूँ, तो मैं गत्यावस्था में हूँ। इसकी घटना की अध्ययन किसके सापेक्ष करेंगे? इस कमरे के सापेक्ष। तो यहाँ पर ये कमरा क्या कहलाएगा? निर्देश फ्रेम। यह दो प्रकार का होता है, जड़त्वी और अजड़त्वी। जड़त्वी निर्देश फ्रेम क्या होता है? देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। एक हमारे पास और फ्रेम है, x डैश, y डैश, z डैश। ये s फ्रेम है, ये वाला s डैश। यहाँ पे मान लीजिए फ्रेम s में एक वस्तु रखी है a। तो यदि s और s डैश दोनों विरामावस्था में है, तो s डैश से भी देखेंगे तो ये वस्तु कैसे कहलाएगी? स्थिर दिखेगी, विरामावस्था में रहेगी। और एस में भी ये कैसी है? विरामावस्था में। और यदि एस डैश जो है एक समान वेग से गति करे, तो एस डैश के प्रेक्षक को एक ऐसे दिखेगा, एक समान वेग से विपरीत दिशा में गति करते दिखेगा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, है ना, ट्रेन में हम बैठे हैं तो हमको क्या लगता है? पेड़, खंभे, ये सब क्या जा रहे हैं? विपरीत दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा निर्देश फ्रेम जो या तो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो या एक समान वेग से गति करे, उसको हम कहते हैं जड़त्वी निर्देश फ्रेम। और जड़त्वी निर्देश फ्रेम में न्यूटन के गति के नियम पूर्णतः लागू होते हैं। दूसरा, अजड़त्वी निर्देश फ्रेम। अब मान लेते हैं दो हमारे पास निर्देश फ्रेम है, S और S डैश। S डैश विरामावस्था में है, S विरामावस्था में, S डैश जो है A त्वरण से गतिशील है। ये विरामावस्था में है, ये क्या है? गतिशील है। तो S डैश में तो A विरामावस्था में है S में, लेकिन S डैश में जो व्यक्ति है उसको क्या लगेगा? A विपरीत दिशा में गतिशील है। S डैश इस दिशा में गतिशील है, तो इस पे खड़े प्रेक्षक को क्या लगेगा? A डैश विपरीत दिशा में गतिशील है। चूंकि S डैश किस त्वरण से है? ऋण A त्वरण, A त्वरण से, तो इसको क्या प्रतीत होगा कि ऋण A त्वरण से A गति कर रहा है। अब त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर एक बल भी लगेगा। बल बराबर हम जानते हैं ऋण एम ए जीरो। ऋण क्यों? क्योंकि हमको किस ओर लग रहा है? विपरीत दिशा में। तो वास्तव में ये गति कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, पर हमको ऐसा महसूस होता है। किसमें? अजड़त्वी निर्देश फ्रेम में। तो अजड़त्वी निर्देश फ्रेम ऐसे निर्देश फ्रेम है जिसमें न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते, और एक आभासी बल हमको लगता है कि एक बल लग रहा है, जिस बल को हम कहते हैं छद्म बल, जो वास्तव में होता तो नहीं है पर हमको महसूस होता है। उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझे, आप कार में जा रहे हैं, कार से अच्छा उदाहरण मेला, मेला सब बच्चे जाते हैं, मेला में आप ड्रैगन झूले में बैठते हैं। ड्रैगन झूला कैसा रहता है? ये गति कर रहा है, ऐसा गोल गोल गति करता है, है ना। तो आपने महसूस किया होगा किनारों पर, जैसे ही आप किनारे पे पहुंचते हैं आपको क्या लगता है? आपको एक धक्का लग रहा है, किस दिशा में? बाहर की ओर। फिर दूसरे किनारे में आपको ऐसे ही लगेगा, इधर आपको वैसे ही लगेगा। और यदि आप कार में जा रहे हैं तो जब कार किनारे पे मुड़ती है तो वहाँ पर भी हमको लगता है हमको एक बल लग रहा है बाहर की ओर, और हम उसके दरवाजे से जा टकराते हैं, तो हमको महसूस होता है कि हम पर एक बल लग रहा है। इसी बल को हम कहते हैं छद्म बल, जो कि वास्तव में होता नहीं है।
हमको क्यों लगता है बल, हम क्यों टकराते हैं, या ड्रैगन झूले में बैठे तो हमको किनारों पर ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण है ना। हम जान रहे हैं यदि हम यहाँ पे गढ़ रहे हैं, सीधी गति कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा शरीर सीधे दिशा में गति कर रहा है। अब इसके किनारों पे एकदम से गति की दिशा बदल गई, तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो किससे जुड़ा है, झूले से जुड़ा है जिसमें हम बैठे, तो उसकी दिशा बदल गई, लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या है, अभी भी सीधी दिशा में गति कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमको लगता है कि हमको एक बल लग रहा है। हमको तो जड़त्व के कारण एक बल लग रहा है, लेकिन उसका कारण है जड़त्व, है ना, लेकिन हमको क्या लगता है कि नहीं हम पर एक बल लग रहा है। इसी आभासी बल को हम छद्म बल कहते हैं। और अजड़त्व निर्देश फ्रेम वे निर्देश फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन के गति के नियम पूर्णतः लागू नहीं होते। तो ये तो हमने किसके बारे में जाना, निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं, जड़त्व निर्देश फ्रेम क्या होता है, और अजड़त्व निर्देश फ्रेम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे किसी पिंड का लिफ्ट में भार। लिफ्ट आप सभी जानते हैं क्या होता है, लिफ्ट है ना, किसी ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए हम लिफ्ट का प्रयोग करके ऊपर में सीढ़ी कर से ना जा करके लिफ्ट में बैठ जाए तो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगों में लिफ्ट लगी होती है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो उसी में उसी के बारे में थोड़ा सा हम उसकी गति का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण हर पिंड पर क्या लगाती है, एक बल लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल का मान कितना होता है, यदि पिंड का द्रव्यमान m है तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल mg। यही पिंड का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अब इस पिंड को किसी वस्तु के ऊपर रख दें, है ना, मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान mg है, उसको मैंने यहाँ पे रखा अपने हाथ के ऊपर, तो ये क्या करेगी, इसी mg भार से नीचे वाली वस्तु को दबाएगी। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के फलस्वरूप हर क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया। तो नीचे वाली वस्तु भी उसको ऊपर की ओर बल लगाएगी, कितना, r, जहाँ पे r क्या है, प्रतिक्रिया बल। तो परिणामी बल कितना लगेगा वस्तु पर, mg - r। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक लिफ्ट है जिस पर एक वेट मशीन रखी, तौलने वजन तौलने की मशीन, इस पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका भार है mg, इसका भार नीचे की ओर लगा w, तो ये पिंड भी इस पर एक बल लगाएगी r, जो किस ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो उस पे लगने वाला परिणामी बल, भार नीचे की ओर और r ऊपर की ओर, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, mg - r। अब अलग अलग स्थितियां में देखते हैं, मान लेते हैं पिंड कैसा है, लिफ्ट कैसी है, विरामावस्था में, पिंड विरामावस्था में है, गति नहीं कर रही है, तो त्वरण तो होगा ही नहीं, त्वरण नहीं होगा तो कोई बल नहीं होगा, है ना। तो F बराबर हम जान रहे हैं mg - r, F का मान कितना होता है, ma mg - r। जब पिंड विरामावस्था में गति ही नहीं हो रही है तो ना तो त्वरण होगा ना तो बल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 = mg - r या mg = r, w = mg। यानी कि जब लिफ्ट है एक पिंड रखा है, उसके नीचे मशीन रखी है, तो जब पिंड लिफ्ट नहीं चल रही है उस स्थिति में उसका वजन उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, यानी कि mg।
अब मान लेते हैं ये जो लिफ्ट है वो ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका त्वरण क्या लेंगे हम, माइनस ए। तब कितना बल लगेगा, एफ बराबर जानते हैं एम जी माइनस आर। दूसरी कंडीशन, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है ठीक, तो F की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एम ए। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो A का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, बराबर एम जी माइनस आर। आर को इस ओर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, एम जी प्लस एम ए। यदि M को बाहर निकाल दे तो G प्लस ए आर, और R बराबर क्या है, वस्तु का भार, G प्लस ए। तो इस स्थिति में देखिए वस्तु का भार कितना था, एम जी, और यहाँ पे कितना है, एम जी प्लस ए, मतलब इसके भार से भार बढ़ गया। अर्थात यदि हम किसी लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है ठीक। अब मान लेते हैं लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, कितने त्वरण से, ए त्वरण से। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति लिफ्ट नीचे जा रही है कितने त्वरण से, ए त्वरण से। तो हमारे पास सूत्र क्या है, एफ बराबर एम जी माइनस आर। चूंकि नीचे जा रही है इसलिए त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि एम ए बराबर होगा एम जी माइनस आर। आर को इधर पक्षांतर कर दे, ऋण का क्या हो जाएगा, धन, एम जी माइनस एम ए या एम जी माइनस ए। अब वास्तविक भार कितना था, एम जी। अब यहाँ पे एम जी में घट रही है वैल्यू, मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि पिंड लिफ्ट जो है ए त्वरण से नीचे जाए तो क्या होता है, व्यक्ति को अपना भार जो है वो घटता हुआ प्रतीत होता है। अब लिफ्ट नीचे जा रही है, अचानक से मान लीजिए लिफ्ट की रस्सी टूट गई ठीक, रस्सी टूट गई तो लिफ्ट तो ए त्वरण से नीचे जा रही थी, अब भी लिफ्ट नीचे जाएगी लेकिन त्वरण कौन सा लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण, जी, क्योंकि पिंड जो है स्वतंत्रता पूर्वक नीचे जा रहा है तो उस पर लगने वाला त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जी। तो इस सूत्र में यदि हम एम की जगह क्या रख देंगे, जी माइनस जी, तो आर यानी वस्तु का भार कितना हो जाएगा, शून्य। इस स्थिति को कहते हैं भारहीनता की स्थिति। यदि हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, अचानक से रस्सी टूट जाए तो हम गुरुत्वीय त्वरण से नीचे जाएंगे तो व्यक्ति को अपना भार जीरो प्रतीत होता है ठीक है। अब नीचे जाते समय के लिए सूत्र क्या है हमारा, R बराबर एम जी ऋण ए, है ना। ये है चौथी स्थिति, यदि A का मान, हम नीचे जा रहे हैं, हम जानते हैं G का मान कितना होता है, 9.8 गुरुत्वीय त्वरण। यदि A का मान बड़ा है किससे, G से, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो हमारा वजन कैसे निकलेगा, ऋणात्मक निकलेगा, मतलब इस स्थिति में हमारा भार हो जाएगा ऋणात्मक और व्यक्ति जो है वो लिफ्ट की दीवार के ऊपर जाकर चिपक जाएगा क्योंकि उसका भार कितना हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये चार स्थितियां हमने देखी
क्या होता है, जब लिफ्ट बंद है तो हमको अपना वास्तविक भार ही उस मशीन में दिखेगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो हमको अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है तो हमको अपना भार घटता हुआ प्रतीत होता है। और यदि रस्सी टूट जाए तो चूंकि हम गुरुत्वीय त्वरण से नीचे जाएंगे तो हमको अपना भार शून्य दिखता है, और इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता की स्थिति। और यदि ए का मान बड़ा हो जाए जी से, इस स्थिति में हमारा भार ऋणात्मक हो जाता है और व्यक्ति जो है लिफ्ट की ऊपरी दीवार से जाकर के चिपक जाएगा। अब यदि लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है। अब लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वेग कैसा है? एक समान। अब चूंकि वेग एक समान है तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वेग में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होता है, तो त्वरण का मान हो गया शून्य। त्वरण का मान शून्य हो गया तो हमारे इस समीकरण में हम अगर मान रख दें ए का मान शून्य रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु का भार जो वास्तविक भार है एम जी वही प्रतीत होगा। कब? जब लिफ्ट एक समान वेग से या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग स्थितियां देखी। किसके बारे में अध्ययन किया हमने? कि यदि लिफ्ट में कोई व्यक्ति है तो लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए त्वरण अलग अलग हो तो उसके उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जाना विराम कोण क्या होता है, घर्षण के क्या क्या प्रकार, शर्पी घर्षण, बेलन घर्षण, उसमें अंतर हमने देखा। और हमने देखा घर्षण से हमको लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। और हमने देखा फ्रेम के बारे में, जड़त्वी और अजड़त्वी निर्देश फ्रेम, और लिफ्ट में पिंड की गति का अध्ययन किया। तो इसके आज की कक्षा के साथ ही अध्याय 8 घर्षण भी खत्म होता है और हमारी कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अभी हम पढ़ रहे थे घर्षण के बारे में, घर्षण को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। घर्षण को बढ़ाना, तो हमने देखा था कि यदि चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में फिसलन होती है, घर्षण का मान चूंकि कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रेत डाल देते हैं, है ना। तो रेत डालने से घर्षण का मान बढ़ हो जाता है। और अभी अभी भूलवश मैंने उसको क्या कह दिया था कि रेत डालने से घर्षण का मान कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेत डालने से, चिकनी मिट्टी में यदि हम रेत डालें तो घर्षण का मान बढ़ जाता है। धन्यवाद।